ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री रामदास आठवले सहारनपुर पहुंचकर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया और केंद्र सरकार की कई योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि दिव्यांगों के लिए और अधिक बजट आएगा, उनको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएंगी। रामदास आठवले पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि अब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वह ब्राह्मण है या वह क्षत्रिय है या किसी भी उच्च जाति से है, उसे भी 10% का फायदा मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए भी कई योजनाएं ला रही है। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हैं और उन्हीं के सपनों और आदर्शों पर उनकी पार्टी चल रही है। बसपा का जो चुनाव चिन्ह और झंडा है, पहले वह रिपब्लिकन पार्टी का था, किंतु जनाधार और वोट कम होने के कारण ये चुनाव चिन्ह और झंडा दोनों ही उनसे चले गए और अब एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा है। उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने और फिर इस्तीफा देने के ड्रामे पर कहा कि भाजपा तो शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाना चाहती थी, परंतु लगातार प्रयास होने करने के बावजूद इसमें सफलता नहीं मिली, तब एनसीपी का साथ लिया, किंतु जब अजित पवार के साथ ही कोई विधायक नहीं रहा तो ऐसे में भाजपा क्या करती, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सोच के विपरीत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ हो गए, जबकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुत्व की बात करने वाले शिवसेना कभी भी सोनिया गांधी के साथ जाएंगे, बल्कि भाजपा को उम्मीद थी कि शिवसेना उनका साथ देगी और ज्यादा से ज्यादा विधायक शिवसेना और भाजपा के हैं। इसलिए दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पहले भी देखा है कि जब दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है तो ज्यादा बड़ी संख्या में विधायक चुन कर आए हैं, किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिपब्लिक पार्टी के दो विधायक थे और दोनों को समर्थन भाजपा को था, और वह तो ये भी चाहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी सहमत हो तो आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते, ताकि रिपब्लिक पार्टी का भी जनाधार बढ़े और वह निश्चित रूप से बसपा को हराने का काम करेगी। जैसे रिपब्लिक पार्टी केंद्र में भाजपा के साथ है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ होगी। मंत्री आठवले ने कहा कि बसपा मनुवादे की बात करती है और मनुवादे से ही मिलकर सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री बनी है। यदि मनुवादे के खिलाफ है तो उसके साथ मिलकर सरकार बनाना नहीं चाहिए था, किंतु उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। श्री आठवले ने महिलाओं के साथ न्याय के बारे में कहा कि ये एक गलत मानसिकता का प्रतीक है कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा के पक्षधर है सरकार और इस पर कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो हुआ वे निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाज में रह रहे लोगों को अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को न्याय दिलाना है और वह लगातार इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी जवाहर लाल मौजूद रहे। थोड़ा भाई बोल करे क्या बोल करेगा मैडम वो थोड़ा पीछे आ जा भाई के पीछे आ जा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को खत्म कर दिया है और जो डिस्प्यूट लैंड थी वो लैंड मतलब राम मंदिर के लिए दे दी है और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जमीन दूसरी देनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने पूरी शांति रखी और देश में मतलब नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो नेशनल इंटीग्रिटी मजबूत करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज के भावनाओं का विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और मुस्लिम समाज ने भी मतलब उसको एक्सेप्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत अभी खड़ा होना हो रहा है और अपने देश में 6000 से ज्यादा जनजातियां है, 18 भाषा के लोग यहाँ रहते है, 7-8 धर्म के लोग यहाँ रहते है, लेकिन दुनिया को आश्चर्य है कि भाई यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत कैसा है, मतलब इतने लोग अलग अलग। तो मुझे लगता है कि इस तरह अभी मोदी सरकार पर जिम्मेदारी ये है कि अभी मंदी का दौर चल रहा है लेकिन ये अनेक सालों का मतलब ये इम्पैक्ट है और पूरे दुनिया में मंदी है, इसका मतलब भारत में मंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं का रेट बढ़ाने के लिए जरूर मतलब हमारी निर्मला सीतारमन जी जो अर्थमंत्री है उनकी कोशिश जारी है, मोदी जी भी मतलब इसमें सुधार करने के लिए
अलग अलग तरीके सोचने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि और एक साल में इस मंदी को खत्म करने के लिए हमको बहुत बड़ा ये मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मैं 3 बार लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 1998 में जब आरपीआई के 4 एमपी चुनकर आए थे, तब बहुजन समाज पार्टी के भी 4 एमपी यूपी से चुनकर आए थे, पांचवा एक अम्बाला से चुनकर आया था। तो अभी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उनका काम करते रहे, लेकिन मेरा मायावती को सवाल इतना ही है कि मायावती ने बीजेपी पर मनुवाद का आरोप करना ठीक नहीं है, क्योंकि मायावती 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गई थी, और बीजेपी अगर मनुवादी थी तो उनके सपोर्ट से मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बनना चाहिए था। और अभी बीजेपी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान को अभिवादन करते हैं और बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करने की जिम्मेदारी वो उन्होंने अपने सिर पर ले ली है। और उन्होंने मतलब एनडीए की मीटिंग में भी हमको बोला है कि अभी माइनॉरिटी के तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसी तरह यहाँ के मुस्लिम लोगों को मेरा नम्र निवेदन है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, मोदी सरकार आपकी सुरक्षा करने के लिए कैपेबल है, और यहाँ रहने वाला जो मुस्लिम है इस मुस्लिम को पूरा सपोर्ट करने की भूमिका हमारी सरकार की है। और जिस तरह हमारे नकवी जी माइनॉरिटी के मिनिस्टर भी है, बहुत सारी स्कीम जो है ये माइनॉरिटी के लिए बनाने का काम चल भी रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि हम इस देश में मतलब सच्चा भारत, समतावादी भारत, सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्रस्तावित करने वाला भारत और हम खड़ा करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और जो उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का विरोध नहीं करते, उन्होंने अपना अपना बिजनेस करना है, लेकिन अपने बिजनेस के लोगों की तो सरकार है और मोदी जी उसी दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल थे, 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल हो या जनपद रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, महू का बाबा साहब का जन्मस्थली का मेमोरियल हो, मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की जमीन थी, 12.5 एकड़, वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल भी है और वहाँ कम से कम 800 करोड़ का काम वहाँ चल रहा है। और वहाँ 450 फीट का पुतला बाबा साहब का वहाँ खड़ा हो रहा है। उसी तरह मतलब ये सरकार सभी वर्गों की है और मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय दिव्यांग जनों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे मंत्रालय में एक स्पेशल सेक्रेटरी दिव्यांग जनों के लिए है और पूरे देश भर में 2011 के जनगणना के मुताबिक 2,67,557 इतनी दिव्यांगजनों की संख्या है। और हमने 5 सालों में कम से कम 8,000 कैंप हमने लिए है, एडिप कैंप होते हैं, जिस तरह आज यहाँ एक कैंप हुआ और उसमें कम से कम 2,000 लोगों को साहित्य हमने बांटा है। और उसी तरह के कैंप हमने पूरे देश भर में लिए है और अभी तक कम से कम 13 लाख से ज्यादा लोगों को हमने दिव्यांगजनों को मदद की है। इसी तरह मतलब जो डिसेबल लोग हैं उनको एबल करने की कोशिश हमारी है और उसी तरह हम हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी में बीएसपी के काफी कार्यकर्ता आ रहे हैं, जगह जगह पर कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं, दिल्ली में आकर मुझे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मिल रहे हैं। और भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी मजबूत पार्टी होगी और मैंने योगी आदित्यनाथ जी से बात की है कि आने वाले 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक 8-10 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। वैसे एनडीए के मेंबर हम ही है और हम बीजेपी के साथ ही है, लेकिन अगर कुछ सीटें हमें मिलती है तो बीएसपी को अच्छी टक्कर देने के लिए हमको अच्छा मौका मिलेगा। उसी तरह हमारी बात भी चल रही है, हम अमित शाह से भी बात करने वाले हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में हम मतलब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।